बाबा नहीं शंकर सुब्बम्मा माताजी घर को मैं जाती बाबा बताता है कालाश में जो गीता पाठ चला है वो इसी तक वो एक गीता पाठशाला जाता है दूसरा गीता पाठशाला भी हमारी सुब्बम्मा माता जी हाँ दूसरा गीता पाठशाला जाऊंगा एक बार जावेगा उधर जावेगा भाई कहीं भी जाओ अरे इस मंदिर में जाओ शिव बाबा के मंदिर में चाहे उस शिव बाबा के मंदिर में जाओ शिव बाबा मंदिर मना तो है नहीं जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ ले आया नहीं शिव बाबा आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ हैं हाँ अकेले नहीं है इस दुनिया में जब आते हैं तो भी तीन मूर्तियां साथ ही हैं एक साथ ही तीनों में नहीं ये नहीं कहा अगर तीनों में एक जैसी सुख शांति पवित्रता होती तो तबके नीचे ऊपर क्यों होते नीचे ब्रह्मा फिर बीच में विष्णु फिर सबसे ऊपर कंकर फिर तो तीनों मूर्तियों का नाम शिव के साथ जोड़ना चाहिए तीनों मूर्तियों का तो नाम शिव के साथ नहीं जोड़ते इसका मतलब तीन मूर्तियों के साथ तो आते हैं लेकिन उनमें एक मूर्ति ऐसी है जो पुरुषार्थ करके बाप समान इस चीज को पाए देती है इसलिए वो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है कैसा हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करने वाला प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल को मास्टर कहा जाता है शिव को मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे शिव सर्वशक्तिवान टाइटल है और बच्चे फिर नंबर वार मास्टर सर्वशक्तिवान क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल के लिए शरीर चाहिए कि नहीं अपना शिव को तो अपना शरीर होता ही तो ऐसे नहीं कि परमधाम से तीन मूर्तियों को लेकर आते हैं नहीं जब आते हैं तो इसी सृष्टि पर तीनों मूर्तियां मौजूद होती हैं अकेले नहीं होते हैं एक के द्वारा सुनने सुनाने का कार्य करते हैं दूसरे के द्वारा समझने समझाने का कार्य करते हैं और तीसरी मूर्ति है धारणावान प्रैक्टिकल करती भी है और फिर उसे देखकर दूसरे भी करके दिखाते हैं तब करने की है ठीक है ना नया मकान बनाया जाए तो नए मकान का फाउंडेशन डाला जाए मकान की बिल्डिंग नई की तैयार की जाए तो पुराना हिस्सा को गिराना पड़ेगा कि नहीं और सारी ही बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी कि नहीं तो दोनों काम चाहिए स्थापना भी होती है और विनाश भी होता है
स्थापना सूक्ष्म में होती है, संकल्पों की शक्ति रची ब्रह्मा ने, तो ये सूक्ष्म स्थापना हुई है स्थूल, सूक्ष्म स्थापना हुई संकल्पों से जो शक्ति रची, यही वो इन आंखों से देखने में आती है क्या? नहीं देखने में आती, वो तो मनन चिंतन मंथन की बात है, ये तो मन बुद्धि की बात है, तीसरे नेत्र की बात है, तीसरा नेत्र इन आंखों से थोड़ी दिखाई पड़ता है। तो सूक्ष्म दुनिया रची जाती है और पुरानी दुनिया अपने आप खराब भी होती है। 75 में क्या हुआ, एक तरफ नई दुनिया की सूक्ष्म में स्थापना हुई, ब्रह्मा के सत संकल्पों से नई सृष्टि रची गई, नया संगठन तैयार हुआ ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों का पुराना संगठन जो है हिलने लगा, डोलने लगा, टूटने लगा। तो सूक्ष्म में काम पहले पहले हुआ, फिर स्थूल में भी होता है, स्थूल में जब नई दुनिया बनेगी तो स्थूल में विनाश भी देखने में आएगा, तब तक क्रियाशील होती रहती है। और काली महाकाली दिखाते हैं ना, हाँ दोनों अलग अलग है, क्या एक है, एक है काली, काली अच्छी या अकाली अच्छी, काली अच्छी आप माने नहीं, काली माने काली, माने काली तो नहीं है, जैसे बाबू मुरली में कहते हैं जितनी काली उन्होंने मंदिरों में दिखाई है चित्रों में इतनी काली तो है, तो फिर अकाली कहेंगे, एक है अकाली, फिर उससे नीचे ग्रेड गिरा तो काली, फिर उससे नीचे ग्रेड गिरा तो महाकाली, उसे कहते हैं असुर संघारणी, क्या अव्वल नंबर असुर संघारणी है महाकाली, फिर रेड काली, फिर रेड अकाली, फिर रेड गौरी, फिर उससे ऊंचा रेड महागौरी, ये ग्रेड्स है, जो महागौरी होगी वो विनाश कम करेगी या ज्यादा करेगी, है महागौरी गौरी विनाश करेगी, वो विनाश कम करेगी या ज्यादा विनाश का काम करेगी, कम करेगी, क्या करेगी ज्यादा, स्थापना की, गौरी जो है स्थापना ज्यादा करेगी और उसके स्थापना करने से ही ऑटोमेटिक विनाश होगा। हम बच्चों को भी क्या करना है, स्थापना का काम करते जाए बिना साधु में चुप हो जाएगा, जैसे त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति में मूर्तियां कितनी है, है? तीन ही मूर्तियां हैं, लेकिन त्रिमूर्ति का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जब संपन्न स्टेज धारण करती है, विष्णु के रूप में सामने आती है, विष्णु संपन्न स्टेज है ना, तो कितनी आत्माएं हो गई, पांच हो गई, वो है पुरुष रूप देवता का स्वरूप, और यहाँ से तीन स्त्री चोरी दिखाई गई, तीन स्त्री रत्न है, अकेला कोई काम नहीं कर सकता स्त्री, इसके लिए भी प्रवृत्ति चाहिए, तो पांच ही मूर्तियां गाई हुई,
ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती, ये तीनों ही देवियां सारा कार्य संपन्न कर सकती हैं। नहीं, इनके साथ पुरुष स्वरूप जी चाहिए और भगवान भी चाहिए। तो भगवान के रूप में जो पार्थधारी है, भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? भगवान एक ही होता है, इसलिए उसके सहयोगी चार दिखाए जाते हैं, चार भुजाएं हैं विष्णु की। कौन कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा, और जगदम्बा के साथ भाग्यमाता, वो जगत की अम्बा, सब धर्मों की अम्बा, विदेशियों की भी अम्बा, और वो सिर्फ भारतवासियों की अम्बा। तो दोनों ही देवियां चाहिए। तो टोटल कितनी हुई? चार हुई भुजाओं के रूप में, और एक है उनको चलाने वाली आत्मा, उसको कहते हैं राम भगवान। राम, राम बाप को कहा जाता है, बच्चे को नहीं कहा जाता। तो जो राम वाली आत्मा है उसमें भगवान बाप से वह प्रवेश करते हैं, वो चलाने वाली है चारों आत्माओं को। चार भुजाएं हैं चलने वाली, लेकिन ग्रेड हैं चारों के। कोई आत्मा लेफ्टिस्ट के रूप में पार्ट बजाने वाली, कोई आत्मा राइटियस के रूप में पार्ट बजाने वाली, कोई आत्मा ऊंची भुजा का पार्ट बजाने वाली, कोई आत्मा नीची भुजा का पार्ट बजाने वाली। जैसी जैसी जिसे सेवा की वैसा वैसा उनका नंबर और स्टेज बन जाते हैं। भगवान के टीचर हैं उसकी भी। हाँ, सचिव शूटिंग है की चार अवस्था अवस्था है। हाँ, 1960 से 1976 तक है। हाँ, 16 साल। हाँ सर, फिर त्रेतायगर शूटिंग 12 साल। 12 साल। हाँ, फिर द्वापर शूटिंग 99 तक। हाँ, 98 तक। हाँ, फिर कलयुग शूटिंग 1936 से 1960 तक। क्या होता, क्या हो गया उसका, क्या जो पक्की शूटिंग है सतयुग की, वो तब से होती है जब से जनसंख्या बढ़ती है। क्या 9 लाख जो है, 9 लाख की संख्या बढ़ेगी तभी तो सतयुग कहा जाएगा पक्का। अगर 9 लाख की जनसंख्या बढ़े नहीं तो पक्का सतयुग कहेंगे? सतयुग में 9 लाख से बढ़कर कितने हो जाते हैं? 2 करोड़। तो अगर 9 लाख ही बनी रहे तो उसे सतयुग की शूटिंग कहेंगे या सतयुग से पहले का टाइम कहेंगे? पहले का टाइम। जब संख्या बढ़ी तो संख्या बढ़ने का कारण हुआ कर्म, सेवा, और सेवा तब बढ़ती है जब चित्र बने। चित्रों के आधार पर ज्ञान का विकास हुआ। चित्र बनते ही हैं दूसरों को दिखाने के लिए। उन चार चित्रों की रचना हुई संसार से, त्रिमूर्ति का, गोले का, झाड़ का, ये चित्र तैयार हुए।
और हजारों की तादाद में बाबा ने वो चित्र फोल्डर छपाए थे। उन चित्रों के आधार पर बहनों ने सर्च करना शुरू किया और लोगों को एक आधार मिल गया समझने का, तो लोग निकल पड़े। उससे पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी। ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले 9 लाख से ज्यादा हुए ही नहीं। इसलिए 1960 से लेकर के 1976 तक ये 16 साल की जो शूटिंग है वो जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सचिव की पक्की शूटिंग मानी जाती है। अगर सिंधु हैदराबाद में हाँ। ज्यादा लोग पुरुष आती थी ना अज्ञान में, ज्ञाना लोग पुरुष लोग आती थी ना, साहूकार लोग ज्यादा साहूकार लोग, तो सभी पीछे हट गए ना। हाँ जी, अभी आती रहती है ज्ञान में। अभी कैसे आएंगे, आज में आए थे अंत में फिर आएंगे। साहूकार लोग आज में आए तो कब आएंगे, बीच में आएंगे क्या, पहले भी आज में आए थे अभी भी कब आएंगे, अंत में जो आज में तो अंत में। बाबा ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए नारी में हाँ। बिंदु पर आए, शिव बाबा पर आए, प्रयाग पर आए हाँ? बिंदु पर आए, शिव बिंदु पर आए साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हाँ? अभी शिव बाबा पर आए, शिव बाबा पर आए ऐसे बोलते नहीं बाबा, कोई कोई पकड़े कौन बोलते हैं और उनकी बात क्यों सुनते हैं, और उनकी बात सुनते हैं माने उनकी बात स्वीकार करते हैं, औरों से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, औरों की तो बात सुननी है, तुम किस आधार पर कहते हो प्रजा पिता ने साक्षात्कार कराए, कोई आधार है कहने का नहीं। वास्तव में भक्ति मार्ग में भी तो साक्षात्कार होते रहे लोगों को, नहीं हुए, तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए या नहीं हुए, वो किसने कराए, प्रजापिता ने कराए नहीं। साक्षात्कार है वो तो हर आत्मा में अपनी नूंद हुई पड़ी है साक्षात्कार की। जो आत्मा नवला भक्ति के संस्कार वाली होती है और जिस समय भी उसके नवला भक्ति के संस्कार होते हैं उसी समय उसको साक्षात्कार होता है। बहुत भक्ति करने से साक्षात्कार होते हैं, ऐसे नहीं कि शोभा परम धाम में बैठे बैठे एक एक आत्मा को साक्षात्कार कराते रहते हैं। तो सिर्फ कहने में आता है कि बाबा ने साक्षात्कार कराया। अच्छा साक्षात्कार चलो बाबा ने कराया, भगवान ने कराया, ये जो स्वप्न आते हैं वो कौन कराता है, है? तो जब स्वप्न अपने आप होते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तो साक्षात्कार भी अपने आप होते हैं अपने टाइम पर अपने साक्षात संस्कारों के अनुसार। महेश माता का है पुराना चित्र, राम सीत का है, पटाभिषेक का चित्र, सीता राम का पटाभिषेक चित्र होते है ना, पटाभिषेक ना सिंहासन में बैठे सिंहासन बैठने का उस समय पीछे और पाँव की तरफ वो एक बैठते है इंजामरा वो कौन है आदि जब होती है तो भगवान बाप आते हैं सृष्टि पर, भगवान बाप आते हैं जो सारी सृष्टि का पिता है, तो
सारी सृष्टि में जो मुख्य धर्म होते हैं, उन मुख्य धर्मों के जो बीज होते हैं पहले पहले, वो भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। मुख्य धर्म दुनिया में है देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। इन चारों ही मुख्य धर्मों के चार बीज होते हैं सृष्टि के आदमी, जिनको ब्रह्मा के पहलौटी के बच्चे नाम दिया है, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चार बच्चे जो हैं, एक बाप के बच्चे हैं, और ये एक बाप के बच्चे पुरुषार्थ करके जब संपन्न बन जाते हैं तो इनके द्वारा जो भी स्थापना होती है उसके लिए संसार में गायन चलता है संपूर्णता की स्टेज का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। आज की दुनिया में तो ऐसे ही कहते रहते हैं, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई होके तो वैसे भी। हाँ, सृष्टि के आदि में जब भगवान के चार बच्चे पुरुषार्थ करके संपन्न बनते हैं और उनकी सारी रचना संपन्न होती है तो सब मिलजुल करके रहते हैं, उनके लिए गायन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। फिर अगर सब आपस में भाई 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 है तो जो राम का पत्ताभिषेक दिखाया गया है वो संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की यादगार है? संपन्न स्टेज की यादगार है, जो बनते हैं वो तो संपूर्णता की स्टेज के बनते हैं। तुम चारों भाइयों में से चारों ने एक जैसा पुरुषार्थ किया होगा या नंबरवार पुरुषार्थी होंगे? नंबरवार पुरुषार्थी होंगे। तो जैसा जिन्होंने पुरुषार्थ किया वैसा उनका पद बन जाता है और पद को वो साक्षात्कार भी करते हैं कि हमने ऐसा पुरुषार्थ किया तो ऐसा हमारा पद बना। इसलिए कोई तो पांव पखार रहा है, पांव धो रहा है, कोई छाता लिए खड़ा है, कोई पंखा हिला रहा है, भले दास दासी कर्म कर रहे हैं फिर भी अंदर से समझते हैं हमने ऐसा ही कर्म किया है, इसलिए हमारी ये स्टेज है। अपने को नीच नहीं समझते, अपने अंदर भावना रहती है कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हम जितने नजदीक हैं उतना नजदीक कोई नहीं। आप और एक बात है, सत्युग में रात होते नहीं, सत्युग में रात होते नहीं, हाँ दिन होती है, हाँ दिन ही होती है ना, हाँ जी, क्यों बता क्यों पूछता है? जो सत्य है उसका नाम ही है सत्ययुग, और सत्य का अर्थ ज्ञान है, और ज्ञान भी बोल बोल का ज्ञान होना चाहिए या प्रैक्टिकल जीवन में भरा हुआ होना चाहिए? भरा हुआ है, जीवन में भरा हुआ, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान भरा हुआ है, उसका सार क्या होता है? अभी जो हम इतना ज्ञान ले रहे हैं तो इतना विस्तार में ज्ञान चला गया, बेसिक नॉलेज के मुकाबले एडवांस ज्ञान इतना विस्तार में चला गया है कि उसको कागज में नहीं लिखा जा सकता। तो वो ज्ञान है वास्तव में, या वास्तव में ज्ञान तब कहा जाएगा कि जब वो सार बन जाए? सार बनने का मतलब क्या है?
तेजी को पकड़ना उनके आर बनने का मतलब है बिंदी, बिंदी के सिवाय कुछ भी याद न रहे, अपनी देह भी याद ना आए, देह की कोई इंद्रिय याद ना आवे, पराई देह याद ना आवे, पराई देह की इंद्रियां भी याद ना आवे, माने कोई संबंधी याद ना आवे, देह से कनेक्टेड संबंधित जो भी पदार्थ हैं सुख देने वाले कोई भी याद ना है, ये सुख देने वाले क्या याद आवे, तो पति में क्या याद रहता है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो ज्योति बिंदु आत्मा याद रहती है, माना सत्य का निचोड़ रहता है ना, ज्ञान का सार रहता है, तो सत्य माने ज्ञान, अज्ञान का नाम निशान है, तो जहां ज्ञान की रोशनी है वहां अंधेरा होगा नहीं, जहां अज्ञान रूपी अंधेरा होगा वहां दुख होगा, जहां ज्ञान की रोशनी ही रोशनी होगी वहां खुशी ही खुशी होगी, दुख पाने या ठोकरे खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए वहां रोशनी ही रोशनी होगी, किसकी रोशनी होगी, आत्मा की तो रोशनी होगी, लेकिन आत्माएं भी नंबरवार है एक जैसी है, नंबरवार आत्मा है, और नंबरवार आत्माओं में भी कोई अपर नंबर आत्मा होगी या नहीं होगी, कौन, लक्ष्मी कैसे, तो फिर भी नंबर हो गया नारायण, भगवान आते हैं तो ज्ञान किसको देते हैं, सूर्य को देते हैं, तो वो वहाँ सूर्य होगा या नहीं होगा, ज्ञान सूर्य भी होगा, वो ऐसा ज्ञान सूर्य होगा कि पहले नंबर जन्म से लेकर के संपूर्ण होने से लेकर के आखिरी जन्म तक वो अंधेरे से टकराता रहेगा या हार मान जाएगा, टकराता रहेगा, अंतिम जन्म में जाकर के जैसे ही वो आत्मा पुकारती है तो भगवान को आना पड़ता है, तो कहेंगे कि एक ही सूर्य है, वो तो जड़ सूर्य है और वो धरती का चैतन्य सूर्य है, हम सब धरती के चैतन्य सितारे हैं और वो आसमान में धरती के जड़ सितारे, तो सूर्य ही सूर्य होगा, रोशनी ही रोशनी होगी, कब तक, आधा कल्प, आधा कल्प के बाद फिर द्वैत शुरू हो जाता है, रूप में रात नहीं होने लगा, अगर इस दुनिया में ऐसा मिसाल दिखाया जा सकता है कि 6 महीने तक रोशनी ही रोशनी रहे जहाँ, तो ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जहाँ आधा कल्प तक दिन ही दिन रहे, हो सकती ही नहीं, हो सकती है, तो बटो पृथ्वी की धुरी ही ऐसी चेंज हो जाएगी कि भारतवर्ष में रोशनी ही रोशनी रहेगी, अंधेरा हो गई नहीं, और वहां थकान होगी, थकान ही नहीं होगी, उमंग उत्साह सारा जीवन बना रहेगा, यहाँ थकान होती है तो रात भी बनी हुई है सोने के लिए, नहीं तो आदमी అందరికి బాండ్ పత్రాలు ఇచ్చారంట అసలే చెప్తుంది అది లేకుంటే
ఎవరు కనిపెట్టలేరు అది ఉండాలనే చదివింది లేకుంటే ఏమన్నాయి అప్పుడు ఇవ్వలేదు అన్నయ్య వెనక 90 ఏళ్ళు उनको उस टाइम पर ये लिखे पत्र नहीं दिया उसको लिखे पत्र नहीं दिया नहीं दिया तो ये माता जी उसका है वो होना चाहिए लिखे पत्र मांग रहे हैं निश्चय पत्र मना सरकारी स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र लिखाना तब शुरू किया गया जब सरकारी महकमे वालों ने स्टाम्प पेपर पर लिखे हुए कागज मांगना शुरू किया कोई भी डॉक्यूमेंट उनको प्रूफ में अगर दिए जाते हैं तो कहते हम नहीं मानेंगे इनको हटाओ स्टाम्प पेपर वाले कागज उनको दिए जाते हैं तो स्वीकार कर लेते तब से स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र बनाना शुरू कर दिया है तो आपका कच्चे कागज में लिखा होगा वो आपको चाहिए तो मिल जाएगा अगर आपने और अगर आपको पक्के कागज में चाहिए तो अभी भी जब खरगोनाथ में जाए तो 10 रुपए की स्टाम्प पेपर निश्चय पत्र लिखे क्या माँ पिता बच्चा बच्चे दिखाई पड़े ने आदि में अब तो दो जने शरीर छोड़ गए ना कृष्ण बच्चा आदि तो अंत भी होना है ना कोई दिखाई पड़े नहीं ना दो जने दिखाई पड़े माँ पिता वो बच्चा बच्ची नहीं बच्चा बच्ची कृष्ण बच्चा शरीर छोड़े नहीं कृष्ण बच्चा शरीर छोड़े तो कृष्ण बच्चा आदि में था क्या आदि में तो नहीं था आदि में बाप होता है आदि पिता होता है या बच्चा होता है पिता था पिता के भाई भी थे वो आदि में भी थे और अभी भी है माना प्रश्न और निर्माण काम माना क्या है निर्वाण का मतलब है वाणी से परे जहाँ वाणी निश्चेत हो जाए निर्वाण निर्वाण वाण माने वाणी निह माने निश्चेत न रहे तो जहाँ वाणी न रहे सिर्फ आत्मा रहे वो है निर्वाण धाम तो निर्वाण धाम कहो या वाणी से परे धाम कहो बात तो एक ही స్నానానికి కృష్ణుడు వచ్చి ఒక మెట్టుకు తీసి నోట్లో వేసుకుంటారు అన్నమాట వాళ్ళకు వేలగాని వేలో పరీక్ష చేసేకి రుచి రుచిలు మించి అప్పుడు పోయినాము తయారు అవుతానమాట అప్పుడు వాళ్ళు పోయినాం పెట్టాలి పెట్టాలంటే ఇంక పోయిన మనకు ఎట్టైనా కానీ వాళ్ళు స్నానం చేసేదమాట రేటీకి పోయి మనం శిష్యుని అందరికి పోయి అప్పుడు ద్రౌపది శిష్యుని వేసుకుంటాడు పోయిన పెట్టాలి కదా వాళ్ళకి ఎట్లా అప్పుడు అచ్చే పాత్రకి అమ్మంటారు
पांडव है उसका अज्ञातवास में रहता है, वनवास में, वनवास में रहता है, उस टाइम पर उसका अक्षय पात्र मिलता है, अक्षय पात्र उनका पास होता है, अक्षय पात्र पांडव का पास, हाँ हाँ जिसे भोजन समाप्त नहीं होता, वो अच्छे पत्र होता है, तो उसका टेस्टिंग करने का ऋषि दुर्वासा ऋषि, हाँ टाइम पर नहीं आता है, टाइम पर नहीं आता, हाँ जी लेट, थोड़ा लेट हो जाए तो फिर वो ये खाना मांगता है, तो उसको द्रौपदी स्नान कर नहान करने आओ फिर हम देंगे, तो इस टाइम पर कृष्ण भगवान को वो प्रार्थना किया, तो कृष्ण ने कहा ये देखो अंदर एक जाना पड़ा हुआ है, जाना पड़ा है, तो उसको काली नहीं पड़ेगी, वो भरपूर पड़ेगी है, तो वो वरदान उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है वो चावल का दाना दिखाया गया है, धान्य का दाना, वो धान्य छिलके वाला नहीं है, उसका छिलका उतारा हुआ है, ये आत्माएं सब छिलके वाली है, क्या जितनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं सब देह अभिमानी की छिलके वाली है, उनमें एक दाना ऐसा है जिसके लिए गायन है वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जहां पवित्रता होती है वहां जीवन में शांति और धन धान्य सदैव भरपूर रहता है, कभी खूट खूट नहीं सकता, तो आप दुनिया में जैसे जगन्नाथ में चावल का हंडा चढ़ाते हैं ना, वो तो सारे जगत का नाथ है, 500 करोड़ धान्य पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद उनका देवान का छिलका उतरता है, वो तो वहां वो हंडा दिखाएंगे, लेकिन दुनिया में ऐसी कौन सी आत्मा है जो आज से लेकर के अंत तक एक की ही बन करके रहती है, वो अपवित्रता का देवान रूपी छिलका इच्छूल रूप में उसमें चढ़ता ही नहीं, कोई है या नहीं है, नहीं है, कौन है, कौन है, है? अरे जन्म जन्म लगी रगर हमारी वरुण समूह तो रहे कुंवारी, जन्म जन्म की मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं जिस जन्म में भी जन्म लूंगी या तो शिव का वरण करूंगी, शिव शंकर भोलेनाथ की बन करके रहूंगी, और नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी, सन्यासी बन के रहूंगी, किसी दूसरे पुरुष की नहीं बनूंगी, तो ये शिवालय का हंडा हुआ या वैश्यालय का हंडा हुआ, ये शिवालय का चावल है, ये कभी फूटता नहीं है, शिव का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, वो एक चावल से ही भरपूर है, कमी होने की सवाल नहीं पैदा होता है, और वो देवता किसका है,
वो देवता जो है वो किसका दिखाया है? नहीं, जो बाबा का तो भंडारा होता है, जिस भंडारे से खरीद करके धन धान्य लाया जाता है। लेकिन वो देवता है वो किसके हाथ में है? नहीं, द्रौपदी के हाथ में। इसका पद ध्रुव है। दुनिया कहती है ये नैया हिलेगी डुलेगी डूब जाएगी, और बाप कहते हैं भला नैया हिलती है डुलती है लेकिन डूबेगी नहीं। वो कौन है? द्रौपदी। ये द्रौपदी के हाथ का हंडा है। वो भी सूर्य ने दिया है। सूर्य ने दिया। हाँ जी, वो ज्ञान सूर्य ने दिया हुआ हंडा है। उसमें वो एक चावल जिसमें से आधा हिस्सा भगवान का पेट भरता है, और आधे हिस्से में सारी दुनिया भी खाए तो भी भरपूर अंडा है, तो फूटने वाला नहीं है। अजी शिव का संतान को शिव मत पर चलने वाले है, शिव मत पर चलने वाले संतान, शिव मत पर चलने वाले फिर राम मत भी है, फिर दूसरा मत दूसरा धर्म है रामुल्ला भी कहता है, रामुल्ला उसका क्लैरिफिकेशन। अल्लाह माने हूँ क्या? राम माने राम। इस दुनिया में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं उनमें ऊंचे पे ऊंचे हीरो पार्टधारी आत्मा कौन है? राम। तो हो गया राम अल्लाह। और वो राम अल्लाह ऊंचे से ऊंचा संसार में कब साबित होता है? जब वो शिव उसमें प्रवेश करे तब ही राम की मत कही जाती है। जब तक प्रवेश न करे तब तक राम की मत भी नहीं कही जाएगी। तो ऊंचे से ऊंचे है शिव की मत, लेकिन शिव को पहचाने ही कैसे? वो शिव भी बिंदी, ये भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, किसकी मत, कौन सी बिंदी की मत पर चले? तो पर्सनालिटी चाहिए। किस पर्सनालिटी में, किस मुकर्रर रस में वो बिंदी आकर के मत देती है? मत माने अकल बुद्धि, एक ही बात नहीं। तो राम अल्लाह कहो, राम कहो, शिव कहो, शिव बिंदु है, तो जड़वत है। क्योंकि मुरली में बताया है बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है, जो बोलता ही नहीं, जो चलता ही नहीं, हलन चलन ही नहीं करता उसको चैतन्य नहीं कहेंगे। तो मत हमको चैतन्य के द्वारा मिलती है या जड़ बिंदु से मिलती है? चैतन्य से मिलती है। परमधाम में जो भी आत्माएं हैं वो सब जड़ है या चैतन्य है? जड़, जड़वत है। इस सृष्टि पर जब आती है, पांच तत्वों की सृष्टि में जब आती है, प्रकृति से जब संबंध बनता है आत्माओं का, तब आत्मा हलन चलन जाती है। प्रकृति है स्त्री और पुरुष है शिव। वो शिव जब इस सृष्टि पर आता है तब आकर के चलायमान बनता है, चैतन्य बनता है, तब मत देता है, उसको सी मत कहा जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। नहीं तो परमधाम में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और भ्रष्ट से भ्रष्ट होता है क्या? परमधाम में न श्रेष्ठ होता है न भ्रष्ट होता है।
तो सृष्टि पर ही गायन है। कहा जाता है कि शिष्य से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच और नीच से, ये इस दुनिया की बात है, परम धाम की बात नहीं है। चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? 16। वो 16 कलाएं चंद्रमा की रोशनी का नाम है या अलग अलग कोई कलाएं? चंद्रमा की रोशनी घटती बढ़ती है तो कहते हैं चंद कलाएं घटी, कलाएं बढ़ी। इसके अलावा कोई कला और दूसरी चीज है क्या? बाबा 16 कला संपन्न बनना है, माने आत्मा की संपूर्ण पावर भर जाए उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। आत्मा जो निर्बल हो गई है, बलहीन हो गई है, वो याद के बल से भरपूर हो जाए। ये आत्मा पात्र है, पात्रधारी। कोई रंगमंच पर छोटा पार्ट बजाने वाला और कोई ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला। जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला पात्र है उसमें याद का ज्यादा बल भर जाता है, और जो कलयुग के अंत में आत्मा उतरती है छोटा पात्र, उसमें याद का थोड़ा बल भरा जाता है। आत्मा रूपी बैटरी है, कोई छोटी बैटरी कोई बड़ी बैटरी, पात्रधारी है सब। तो चंद्रमा जब रोशनी से भरपूर हो जाता है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण पूर्णमासी। बाबा आत्मा आत्मा मनुष्य की पूछ रहे हैं या जितने भी जड़ जीव हैं सबकी पूछ रहे हैं? सिर्फ मनुष्य आत्माओं की बात कर रहे हैं? वो तो बता दिया 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। इनके अलावा कीड़े मकोड़े पशु पक्षी और ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी तो आत्मा है। ये तो असंख्य है, इनकी गिनती नहीं। जितनी बुद्धि में तीक्ष्ण आत्मा उतनी ऊपर ऊपर रहेगी। पृथ्वी के 5 तत्वों से बहुत दूर, और जितनी जड़त्वमयी होगी उतनी पृथ्वी के नजदीक नजदीक रहेगी। बाबा सत्यनारायण कौन? बाबा जो सच्चा बोले, जो शिव का सुनाया हुआ सच्चा ज्ञान सुनाए, कुछ भी मिक्स न करे। सत्यनारायण कथम माना क्यों की बाबा? ये पापा कौन क्या बोला? सत्यनारायण की कथा माना क्या? सत्यनारायण की कथा, कथा माने कहानी। सत्यनारायण उसकी सच्ची जीवन कहानी माने सत्य कथा। वो सत्यनारायण की सच्ची जीवन कहानी तो शिव बाबा ही आके बताता है, वो जीवन कहानी नहीं बताता। वो फिर सत्यनारायण की पहचान करा देता है कि अमुक ये पर्सनालिटी ये सत्यनारायण है। फिर उसकी जीवन कहानी पुरुषार्थ की जीवन के आधार पर सारी दुनिया को पता हो जाती है। जो जैसा पार्ट बजाता है वैसी उसकी जीवन कहानी बन जाती है। सच्चा पाठ बजाता है, श्रीमत के अनुकूल पाठ बजाता है, 100% सच्चा पाठ बजाता है तो सत्यनारायण का आ जाता।
झूठा पार्ट बजाता है तो सत्यनारायण नहीं कहा जाए। सत्यनारायण की कहानी गाई हुई है, सत्यनारायण की कथा। नारायण के पास लक्ष्मी नहीं है क्या? नहीं है, है तो फिर उसकी कथा गा गई। इसका मतलब लक्ष्मी ने भी कुछ झूठ जीवन में पार्ट बजाया है, झूठ का आसरा लिया है, सच्चाई को जान लिया कि ये सच्चाई है, फिर भी झूठों का संग दिया है। तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? झूठा हुआ। बाबा आसमान में सात रंग देखने में आते हैं, सात रंग देखते हैं, देखने में आते हैं, उनको इंद्रधनुष कहते हैं। उसका अर्थ क्या है माता पिता? दुनिया में ऊंचे के ऊंचे पुरुषार्थी कितने हैं? आठ। आठ में एक तो हो गया इंद्र, स्वर्ग का राजा। इंद्र को स्वर्ग का राजा कहा जाता है ना, वो तो इंद्र हो गया। बाकी कितने रह गए? सात भी तो पुरुषार्थी होंगे ना, और उन्होंने एक जैसा पुरुषार्थ किया होगा या अलग अलग पुरुषार्थ किया होगा? अलग। जो अलग अलग पुरुषार्थ किया है वो ये सात रंग है। सात धर्मों के सात आधारभूत नारायण है, वो सात रंग वाले हैं। इसलिए दुनिया में सात समुन्दर माने जाते हैं, उनको भी सागर कहते हैं। छोटे मोटे सागर हैं, लेकिन वास्तव में सागर तो एक है या सात है? एक है सागर, एक ही है। हाँ जी, आप अपने बात नहीं करो। हर धर्म में 108 मणकों की माला नहीं होती है, कम ज्यादा की होती है। अच्छा, सूर्यवंश का हर धर्म नहीं होता है, सूर्यवंश का तो एक ही धर्म होता है। सूर्यवंश की माला जो 108 की है वो हर धर्म में सिमरन की जाती है। अच्छा। हर धर्म वालों की अपने अपने मणके होते हैं, कोई की माला में कम मणके, कोई की माला में ज्यादा मणके होते हैं। 108 मणके सिर्फ सूर्यवंश और चंद्रवंशियों की माला में ही होते हैं। नहीं, और धर्मों की माला में कम मणकों वाली आत्मा माला होती है। सिमरन करते जैसे यज्ञ के आदि में दस साल लग गए, मॉडल तैयार करने में स्वर्ग का,
कराची में जो भी संगठन इकट्ठा हुआ था वो सन 47 में मॉडल बन गया। वो सड़क का जड़ मॉडल था, आई मॉडल था या अविनाशी मॉडल था, जड़ था और विनाशी था। सैंपल तैयार हुआ, सैंपल थोड़े समय के लिए होता है, जड़ सैंपल। चैतन्य मॉडल नहीं बना, ऐसे ही जो चैतन्य है नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले मन के, वो कम से कम कितने होंगे? 8 होंगे जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालेंगे। उन 8 के बारे में बाबा ने फाउंडेशन की घोषणा कर दी अद्वैतवाणी में। बोला बाप दादा ने तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात फाउंडेशन के रूप में दी है या प्रैक्टिकल में नई दुनिया बना के खड़ी कर दी? फाउंडेशन के रूप में सौगात दी है। जैसे दुनिया में भी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उनके चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं, कोई दुनियावी आदमी देख न पाए। कहाँ की यादगार? मैं संगम युग में जो वो 8 देव आत्माएं हैं उनका फाउंडेशन पड़ रहा है, उनका और उनकी प्रजा का जो भी फाउंडेशन पड़ रहा है वो गुप्त में पड़ रहा है। सबको ब्राह्मण की दुनिया में पता है या कुछ विशेष बच्चों को ही पता है? उन्हीं को पता है। तो 2004 में रुंग सहित कलयुगी शूटिंग की समाप्ति हो गई। जैसे यज्ञ के आज में 10 साल लग गए थे काय में सैंपल तैयार होने में, जड़ मॉडल तैयार होने में, सड़क का जड़ मॉडल था, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, चारों तरफ दुख के नजारे देखने में आ रहे थे, और वो पाकिस्तान में वो संगठन बड़े आराम से रहा पड़ा था, उनको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं थी। तो जो नई दुनिया बनेगी, पहले नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा कि पहले विनाश होगा? फाउंडेशन पड़ेगा, नई दुनिया पहले बनेगी फिर पुरानी दुनिया में आग लगेगी। तो ऐसे ही जब आखिरी विनाश होगा तो नई दुनिया तैयार हो चुकी होगी, संगठन नई दुनिया का चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा। जो बोला बोली में एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। उसका फाउंडेशन का टाइम है ये, जैसे यज्ञ के आदि में 10 साल का टाइम था, वो जड़ बनाने का टाइम था और ये चैतन्य तैयार होने का टाइम है। इसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है, चैतन्य संगठन बनाना मुश्किल है या जड़ मॉडल बनाना मुश्किल है? चैतन्य बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो 2004 के बाद से लेकर के
जब तक नई दुनिया का फाउंडेशन संसार में प्रत्यक्ष हो तब तक ये यति के आदि काल का संगम युग में संगम युग की शूटिंग चल रही है। दो हजार पांच से लेकर के दस साल जोड़े तो 2015 अगर ज्यादा लगता है तो दो चार साल और भी बढ़ सकते हैं। और अव्यक्तवाणी में बताया भी दिया है कि जो आठ नंबर अब डिक्लेयर होने हैं उनमें टू लेट का बोर्ड तो लग गया, बोला या नहीं बोला? बोला। टू लेट का बोर्ड क्यों लग गया? क्योंकि अष्टदेवों में से दो तो डिक्लेयर हो गए, एक चंद्रवंश का भी और एक सूर्यवंश का भी, तो कहेंगे टू लेट तो हो गया। लेकिन अभी नहीं नहीं लेट तो हो गया लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा। जब आठ के आठ डिक्लेयर हो जाए तो कहेंगे टू लेट हो गया, अब तो सजा खानी पड़ेगी। टू लेट का बोर्ड लगना माना सजा खाने वालों की लिस्ट में आ जाना। तो अभी भी पुरुषार्थ का मार्जिन है, कोई चाहे तो फास्ट पुरुषार्थ करके आज की लिस्ट में आ सकता है। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी, हमारा टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। प्रत्यक्ष तो है, बुद्धि में प्रत्यक्ष है या नहीं है? बुद्धि में तो प्रत्यक्ष है लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज पर भी प्रत्यक्ष हो जाए। కార్తికేయుడు బాబా పైన యుద్ధం చేస్తారు అన్నారు కదా, అది జైన్ కార్తికేయుని कि कार्तिकेय को कितने मुख दिखाए जाते हैं? षण्मुख कहा जाता है, छह मुख है माना। वो एक मुख से बात नहीं करता है, छह मुखों से बात करता है। छह मुख कौन कौन से? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और सन्यासी, मुस्लिम और सिख। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये छह धर्म विधर्मी तो हैं, विपरीत धर्म वाले तो हैं, लेकिन बाप से वर्षा मिलता है नंबर वन। ऐसे नहीं वो स्वर्ग में नहीं जाते, जाते हैं। इसलिए वार्ता पाने वाले लिस्ट जो है विधर्मियों की
उन सबको वो सपोर्ट करता है। कौन? कार्तिकेय। लेकिन जिनको जिनको सपोर्ट करता है वो सब ज्ञान की सच्चाई बताने वाले हैं या सिर्फ ज्ञान की टिक टिक चलती रहती है उनकी 2500 साल टिक टिक चलती है, इसलिए उनका नाम पड़ गया कार्तिक। क्या? टिक टिक करने वालों का मुखिया वो कार्तिक जो है। किसका बच्चा बना है? शंकर का बच्चा। माना शंकर अपने जीवन में जब तक पुरुषार्थी है अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है, तब तक समझो उनकी ज्ञान की टिक टिक है। जब शंकर संपूर्ण बन जाएगा तो टिक टिक खत्म हो जाएगी। तो पुरुषार्थी जीवन की औलाद है या संपन्नता की औलाद है? पुरुषार्थी जीवन की औलाद। जो अधूरा पुरुषार्थी जीवन है उस पुरुषार्थी जीवन की औलाद है। माने यज्ञ में एडवांस पार्टी का जब शुरुआत का पार्ट चल रहा था उसी समय उस आत्मा ने जन्म ले लिया। तो नाम कार्तिक पड़ गया। और जो अधूरा पुरुषार्थ ही करेगा, संपन्न पुरुषार्थ की पैदाइश ही नहीं है। तो जो अधूरे पुरुषार्थी है, चाहे नारायण हो, चाहे नारायणों की प्रजा हो, या दुनिया का कोई भी पुरुषार्थी दूसरे धर्म का हो, लास्ट में जब विनाश होगा या अभी भी, अभी विनाश पूरा तो नहीं हो रहा है, जितनी स्थापना उतना उतना विनाश हो रहा है, तो वो अधूरी आत्माएं विरोध करती हैं या नहीं करती हैं? करती हैं। तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो कार्तिक की लड़ाई दिखाई जाती है। किसके साथ? बाप के साथ। अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। ఒక్కొక్క బ్రహ్మ ముఖం ఒక విధంగా ఉంటుంది कपिल में जो चार मुख वाला ब्रह्मा दिखाया है। ब्रह्मा नहीं दिखाया है, चार मुख वाला शिव है, शिवालय है वो। चौमुखी महादेव, चार मुख वाला महादेव दिखाया गया है। वो तो विष्णु का ही रूप हो गया, चार आत्मा ही तो है। और पांच पांडव के साथ द्रौपदी एक माता से बिताए। जो पांच पांडव जंगल में रहे, जंगल में भ्रमण करने की यादगार में द्रौपदी को दिखाया गया।
कुंती को मात्री को या गांधारी को नहीं दिखाया गया। द्रौपदी की पैदाइश कहाँ से है? यज्ञ कुंड से। वो यज्ञ कुंड स्थूल कुंड है, यज्ञ ज्ञान का ज्ञान का कुंड है। तो एडवांस ज्ञान का कुंड कहाँ खुदा? कंपनी यादगार बनी हुई है। कंपिल के यज्ञ कुंड से ज्ञान कुंड से द्रौपदी की पैदाइश होती है। वो द्रौपदी इस समय कांटों के जंगल में है या फूलों के बगीचे में है? कांटों के जंगल में है। अकेली द्रौपदी है या पांडव भी कांटों के जंगल में है? पांडव भी कांटों के जंगल में। कुंती को नहीं दिखाया।